स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाए उनको आपको नोट जरूर कर लेना है। साथ ही आज की वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में थेरवाद बौद्ध संप्रदाय ने संघ केन समारोह मनाया है? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश राज्य में थेरवाद बौद्ध संप्रदाय, जो कि एक प्रकार का बौद्ध संप्रदाय है, इसने संघ केन समारोह मनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। बात करें अरुणाचल प्रदेश राज्य की तो इसकी राजधानी है ईटानगर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल है बीडी मिश्रा। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्राप्त हुई है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति किस राज्य में प्राप्त हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, माई नेप 2020 मंच किन के द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्हीं के द्वारा शिक्षकों के लिए माई नेप 2020 मंच शुरू किया गया है। साथ ही आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है कि भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लिटरेचर में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए वातायन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि भारत के किन्हें वातायन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओडिशा राज्य 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है और इस दिवस को उत्कल दिवस के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओडिशा राज्य में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1 अप्रैल को ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें तो ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। बात करें ओडिशा की तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। और ओडिशा राज्य में महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर भी ओडिशा राज्य में स्थित है। आपको ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है? तो आपको याद रखना है कि उज्बेकिस्तान में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। साथ ही आपको एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखना है कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य उत्तराखंड राज्य में डस्ट लीक युद्धाभ्यास हुआ है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि भारत और किस देश के मध्य डस्ट लीक युद्धाभ्यास हुआ है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किस राज्य में डस्ट लीक युद्धाभ्यास हुआ है, तो उत्तराखंड राज्य में हुआ है। आपको ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन देने की योजना शुरू की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 2022 तक राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन देने की योजना शुरू की है। बात करें मध्य प्रदेश राज्य की तो इसकी राजधानी है, आपको याद रखना है, भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। और भोपाल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि भोपाल शहर जो बसाया था वो बसाया था 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने। परमार वंश के शासक हुए थे राजा भोज और इन्हीं के द्वारा 11वीं शताब्दी में भोपाल शहर बसाया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। साथ ही आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, यानी कि सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। इसलिए सबसे अधिक नेशनल पार्क भी किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। और सबसे अधिक बाघों की संख्या यानी कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। साथ ही आप एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा
कि 1 नवंबर सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश राज्य भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना और इसी कारण से इसके पश्चात राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ यहाँ पे करंट अफेयर का फैक्ट याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में लॉन्च पैड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 6 है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फाम चिन मिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको याद रखना कि वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है फाम चिन मिन। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत और वियतनाम के मध्य समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई है। ये दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फीफा के द्वारा किस देश के फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपको याद रखने की हाल ही में फीफा के द्वारा चाड और पाकिस्तान, ये दोनों देश हैं और इन दोनों देशों के फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर हम बात करें तो चाड है अफ्रीका महाद्वीप में और पाकिस्तान है एशिया में। इन दोनों देशों के जो फुटबॉल महासंघ है इन पर प्रतिबंध लगाया है फीफा ने। साथ ही आप याद रखिए फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय है जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपको याद रखना पृथ्वी शो जो कि एक भारतीय क्रिकेटर है, इन्हें स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कल भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें था कि डिजिट इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो विराट कोहली को डिजिट इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने पृथ्वी शो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। और आज का आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि BCCI की स्थापना कब हुई थी। तो 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक ओडिशा इतिहास का लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आपको दो फैक्ट याद रखने हैं कि ओडिशा इतिहास ये पुस्तक है और इसे लिखा है डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने, यानी कि डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है ओडिशा इतिहास। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका लोकार्पण किसने किया है। तो ओडिशा इतिहास पुस्तक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। साथ ही आप एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है ओडिशा इतिहास, इसका हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर शंकरलाल पुरोहित ने। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 17वें बिम्सटेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। तो आपको याद रखना है कि 17वें बिम्सटेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी श्रीलंका ने की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि जो बिम्सटेक है इसमें 7 देशों का संगठन है। अगर हम बात करें इन 7 देशों की तो आप याद रखिएगा इन 7 देशों में शामिल है भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और आपको याद रखने इन 7 देशों के नाम, ठीक है दोस्तों। तो श्रीलंका में जो है 17वें बिम्सटेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की गई है। इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा बिम्सटेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में हुई थी। इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बांग्लादेश जो इसका सदस्य देश है और उसकी राजधानी ढाका में बिम्सटेक का मुख्यालय है। तो बिम्सटेक से जुड़े आपको ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने। बिम्सटेक ये 7 देशों का संगठन है, इसकी स्थापना हुई 1997 में और इसका मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। और 17वें बिम्सटेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी श्रीलंका ने की है और श्रीलंका भी इसका सदस्य देश है, आपको याद रखना है।
तो ये थे आज के ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। साथ ही आज के वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नई होने वीडियो अच्छा लगे उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।